नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सीसीएल डोल क्षेत्र के एएडीओसीएम परियोजना में कार्यरत सीसीएल कर्मी 55 वर्षीय भूषण धोबी की बुधवार को कार्य के दौरान तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में मौत हो गई। बताया जाता है कि नावाडी के खरपीटो निवासी भूषण धोबी ड्रिल मैकेनिकल फिटर के तौर पर पहली पाली ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। सहकर्मियों ने सीसीएल केंद्रीय अस्पताल डोरी में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। सीसीएल कर्मी की मौत होने पर यूनियन प्रतिनिधियों ने मृतक के आश्रितों को नियोजन देने की मांग कर नारेबाजी की। राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के डोरी एरिया सचिव अविनाश सिंह ने कहा कि मृतक के आश्रितों को सीसीएल प्रबंधन तत्काल नियोजन दे, तभी अस्पताल से शव उसके परिजन ले जाएंगे। कहा कि सीसीएल प्रबंधन लापरवाही बरत रही है। मौके पर यूनियन नेता कुंज बिहारी प्रसाद, सीएमओ के आरुनेश, सीटू के गोवर्धन रविदास आदि उपस्थित रहे। मजदूर की मौत हुई है, आप उसको नौकरी अभी तुरंत चाहिए। आप उसमें क्या पेपर में आपको क्या कमी है उसे हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए अगर कमी है तो भैया सुधारने की तो आप लोग बैठे हुए ना ऑफिसर। अगर जो है उसके नाम को ठीक करने के लिए जब आपको आवेदन दिया गया था, आप क्या कर रहे थे? आप सुधार लेते? आज वो क्यों घटना किसी के साथ हो सकता है? वो मजदूर ड्यूटी आवर में मरा है और उसको नौकरी आज ही चाहिए। कोई 15 दिन तक कोई इंतजार नहीं करेगा। जब तक नौकरी आश्रित को नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ से वोट उठने नहीं।